बागी तजुमान स्वतंत्र प्रभाग न्यूज से। तो हमारे बीच हमारे इंडियन के बॉलीवुड के सिंगर केरस जी आए हुए हैं। तो मैं सर से एक चीज़ जानना चाहता, आप यहाँ में आए हुए हैं इस बुद्धा महोत्सव के प्रोग्राम में, फेस्टिवल में, सर आपको कैसे लग रहा है? यहाँ का ठंडे मौसम है और यहाँ का लोग से मिलकर आपको कैसे लग रहा है? जी, सबसे पहले तो स्वतंत्र प्रभाग के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ आकर, बोमडिला में आकर, ऐसा लग रहा है जैसे सच्चे भारत में हम पहली बार आए। सच्चा भारत, रियल भारत, क्योंकि यहाँ के लोगों में काइंडनेस बहुत है, दयालुता बहुत है, स्माइलिंग चेहरा होता है सबका, और बहुत ही प्यार से सब बात करते हैं, हम्बल नेचर है सबका। और क्योंकि जिस महोत्सव में हम आए हैं उसका नाम है बुद्ध महोत्सव, और उसका पर्पस ही इतना प्यारा है, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ हार्मनी, फेस्टिवल ऑफ पीस। तो पूरा हमारा बैंड कैलासा यहाँ आया है, और यहाँ पे अरुणाचल में हमारा ये सेकंड विजिट है। इससे पहले हम दापोरिजो में आए थे, अपर सुबनसिरी। कोई आता है तो उसका कैसे स्वागत करना है, उनकी भी मैं बहुत मान्यता रखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। यहाँ की जो डीसी हैं सोनल, डॉक्टर सोनल, सोनल स्वरूप, उन्होंने भी बहुत गजब ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर स्टेट किरण रिजिजू जी, जिनकी देख रेख में ये सब हो रहा है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें याद किया, कैलासा हमारे बैंड को इनवाइट किया सेकंड टाइम, और हम यहाँ हैं बोमडिला में बुद्ध महोत्सव में। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ के लोगों को, और यहाँ के तमाम अरुणाचल प्रदेश के वासियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत तो हमारा बदल रहा है धीरे धीरे, इसलिए बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीर हैं आप, ऐ मेरे अरुणाचल के प्यारे लोगों, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और जीवन में ये भी बताता हूँ, जब भी हमारी आवश्यकता होगी अरुणाचल प्रदेश की, कोई भी फेस्टिवल होगा हम ज़रूर आएंगे, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे बाई रोड कितना ही जाना पड़े, चाहे बाय एयर जाना पड़े, चाहे बाय ट्रेन जाना पड़े, कोई भी बाय जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे, चाहे कितने भी बिजी हों। हम अरुणाचल प्रदेश को प्यार करते हैं, और आप हमारे हैं, हम आपके हैं। मिलके भी हम ना मिले तुमसे ना जाने नीलों के वहाँ भी नकली वेदर हो चुका है, जबकि कहते हैं यूरोप इज वेरी डिप्रेसिंग कोल्ड। सोफिया में थे बल्गेरिया में, दिल्ली जैसा वेदर, मतलब ठंड के नाम पे मजाक, खुल के मजाक। तीन जैकेट लेके गया था, टैग भी नहीं खोले, आज खोला है टैग मैंने। मौसम तो गजब है ही, लेकिन यहाँ के लोगों की म्यूजिकल सेंस बहुत गजब है। थैंक यू वेरी मच। मैं गलती से आज साहब को मैंने बोला सर्किट हाउस में, सर थोड़ा जाके रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन जैसे हम बाजार से गुजरे रेस्ट वाला अनरेस्ट हो गया, बोलते हैं नहीं मैं तो लोकल बाजार में घूम के आता हूँ। जैसे हम गए तो लोग हमारे गाने गा रहे थे पीछे पीछे चलते हुए, थैंक यू वेरी मच। तब हमको पता लगा कि कैलासा वाकई यहाँ पर काफी फेमस टाइप का बैंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड ऑफ लव एंड अबंडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव फॉर लाइव एंड ओरिजिनल म्यूजिक। आई अप्रिशिएट दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।